बजट पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने की 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेश के बाहर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने पर होगा बीमा राशि का पुनर्भरण। राजस्थान के बजट की देश भर में चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 4 साल में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 10% से भी ज्यादा के औसत से बढ़ी। दुर्गम रेगिस्तानी क्षेत्रों में मजबूत होगी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के 33 ब्लॉकों को मिलेंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस वाहन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का बेहतरीन प्रदर्शन। खेल राज्य मंत्री ने कहा, राज्य सरकार की शानदार खेल नीतियों के आ रहे सुखद परिणाम। बजट बहस के जवाब में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया है। योजना के तहत अब राज्य के बाहर भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में बीमा राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। नियुक्तियों के अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर भर्तियां सुनिश्चित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम अब मैं आगामी वर्ष 1 लाख भर्तियां और करने की घोषणा करता हूँ। वर्तमान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में ही ट्रांसप्लांट तथा लंग्स, बोन मैरो, किडनी, लीवर, हार्ट की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में ही विभिन्न ट्रांसप्लांट, लंग्स, बोन मैरो, किडनी, लीवर, हार्ट की सुविधा उपलब्ध है। अब मैं प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में पैकेज की सीमा तक समस्त ट्रांसप्लांट पर राशि का पुनर्भरण करने की प्रस्ताव करता हूँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत बढ़ते रोगी भार को देखते हुए महिलाओं को सुगमता से समस्त चिकित्सा सुविधा देने तथा रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री चेक करने के लिए चरणबद्ध रूप से IT आधारित इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम कुछ सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थाओं में प्रभावी किया जाएगा। आगामी वर्ष प्रथम चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपए का व्यय करना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने बजट चर्चा के जवाब में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र लगाने और संभाग लेवल पर भी आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की। योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाने हेतु यंग इंटर्न्स प्रोग्राम के तहत 250 युवाओं को अतिरिक्त इंटर्नशिप कराई जाएगी। साथ ही आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं अवगत कराने, जागरूक करने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से गठित राजीव गांधी युवा कोर के अंतर्गत कार्यरत 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों की संख्या बढ़ाते 5,000 की जानी प्रस्तावित है। मानव शेखाजी आर्म फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी सीकर तथा सर्विसेज प्रिपेरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद की तर्ज पर संभाग स्तर पर एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विसेज प्रिपेरेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 35 करोड़ का प्रस्तावित होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट बहस में कहा कि राजस्थान के बजट की पूरे देश में चर्चा है। उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी, स्वास्थ्य क्षेत्र, किसान और युवाओं के लिए राजस्थान बजट में जो दिया गया है उसकी चर्चा देश भर में है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में 10.01% की औसत से बढ़ोतरी हुई है। हम सोशल सिक्योरिटी को मुख्य ध्येय बना के चल सके, बड़ा संभव नहीं था कि हम जो बड़ी बड़ी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के अंदर और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हमारी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पेंशनधारियों के लिए जिस प्रकार का बजट दिया गया उसकी चर्चा राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर हो रही है। राज्य सरकार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। 22-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,56,149 रुपये रही,
जो कि गत वर्ष से 14.85% अधिक है। पिछले 11 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि गत वर्ष 18.10% अब इस वर्ष 14.85% रही है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में पिछले 4 वर्षों में 10.01% की औसत वृद्धि देखी गई है। खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के बेहतरीन प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये राज्य सरकार की पिछले 4 साल में बनाई गई शानदार खेल नीतियों का सुखद परिणाम है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों की मेहनत और लगन की प्रशंसा करते हुए उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। खेल राज्य मंत्री श्री चांदना ने कहा कि खेलो इंडिया में हमारे बच्चों ने कुल 48 पदक प्राप्त कर देश में 4th स्थान प्राप्त किया है, जो ऐतिहासिक है। इनमें 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य पदक शामिल हैं। साथियों, राजस्थान के समस्त खिलाड़ी और खेल प्रेमियों के लिए आज एक बड़ी सुखद खबर आप लोगों ने अखबार में पढ़ी होगी। खेलो इंडिया के अंदर राजस्थान के हमारे बच्चों ने 48 मेडल प्राप्त करके देश में 4th स्थान प्राप्त किया है। आज से पूर्व में पिछले साल 10वां स्थान और उससे पहले कभी भी अंडर 10 आए नहीं, लेकिन इन 4 साल की माननीय मुख्यमंत्री जी के जो खेलों के अंदर अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया, उसका परिणाम है कि आज राजस्थान देश में 1 नंबर पर महाराष्ट्र है, 2 नंबर पर हरियाणा है, 3 नंबर पर मध्य प्रदेश है और 4th नंबर पर राजस्थान आ चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में 4th से 3rd पर, 3rd से 2nd पर और 2nd से 1st पर बहुत जल्दी राजस्थान के खिलाड़ी इस नंबर को लेकर आएंगे। पुलिस के अंदर पुलिस के खिलाड़ियों ने जितने पिछले 1-2 सालों में नेशनल्स हुए, पुलिस नेशनल्स के अंदर हमारी पुलिस राजस्थान पुलिस की टीम पहले 3 में रह 1, 2 या 3 में रह रही है, जबकि पूर्व में कभी 25 के अंदर नहीं आई। अभी 5-7 दिन पहले राजस्थान के वॉलीबॉल के खिलाड़ियों ने राजस्थान का नाम रोशन किया और राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करके 42 साल के बाद में राजस्थान को मान सम्मान और गौरव प्राप्त करने का मौका दिया। तो मैं देख रहा हूं कि आज का दिन, ये जो खबर है खेलो इंडिया की जो खबर है, ये एक सुखद खबर है खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए। आज के दिन आप सबको बधाई देना बनता है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत खिलाड़ियों की तरफ से भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं के 4 साल के, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक्स हो, चाहे वो स्टेट गेम्स हो, चाहे वो 2% नौकरियों में अमेंडमेंट हो, चाहे वो आउट ऑफ टर्न के अंदर अमेंडमेंट हो, अनेकों ओलंपिक खिलाड़ियों का करोड़ों रुपए की इनाम राशि देना हो, TADA को दुगना करना हो, अनेकों ऐसी योजनाएं उन्होंने बनाई जिससे कि राजस्थान का खेल चमक रहा है, राजस्थान के खिलाड़ी चमक रहे हैं और आने वाले समय में देश में ही नहीं दुनिया के अंदर भी हमारे खिलाड़ी हमारा नाम रोशन करेंगे। उन सब खिलाड़ियों को जिन्होंने ये मेडल जीते, मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2021-22 के तहत 100 ममता एक्सप्रेस वाहन नियोजित किए जाने थे, जिसके तहत 67 ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस वाहनों को नियोजित किया जा चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा के निर्देश पर बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर के खंडों में 33 ममता एक्सप्रेस वाहन दुर्गम और रेगिस्तानी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए 4x4 ड्राइव वाली विशेष प्रकार के एम्बुलेंस वाहन नियोजित किए जा रहे हैं, जो कि रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के दुर्गम क्षेत्रीय अड्डानियों को कवर करने के उद्देश्य से ममता एक्सप्रेस संचालित की गई है। विधि मंत्री श्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने का बिल इसी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। श्री धारीवाल ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा पर राज्य में वर्तमान में प्रचलित कानूनों की समीक्षा और इनके सरलीकरण के लिए विशिष्ट शासन सचिव विधि की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 650 विद्यमान कानूनों की समीक्षा के बाद 296 रिपील किए जाने वाले कानूनों की पहचान की। इनमें से 133 कानूनों को खत्म करने की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।